हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको फूल के आकार में बहुत ही सुंदर सा ये दो कलर में डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, डिजाइन को आप समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, तभी डिजाइन आपकी समझ में आएगा कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो चलते हैं, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये डिजाइन बनाने के लिए मैंने टू कलर का यूज किया है, और इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने 9 नंबर के निडल्स का मैंने इसमें यूज किया है। और देखिए, मेरे पास ये पुराने ऊन है, पतली है, तो मैंने इसको डबल किया है। आपके पास मोटी है तो आप मोटी से भी बना लीजिए, और आप इस डिज़ाइन को साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कलर हम इसमें बाहर लगाएंगे उसी कलर से हम इसमें फंदे डाल लेंगे। फंदे में बिल्कुल ही आपको सिंपल तरीके के बताऊँगी, जो बिगिनर्स भी आसानी से डाल ले। ये देखिए, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। इसी तरीके से मैं इसमें 10 फंदे और डालूंगी। जोड़े के हिसाब से फ्रेंड्स, आप इसमें फंदे डाल सकते हैं। जितना भी आपको बड़ा बनाना है, आप जोड़े से इसमें फंदे डालिएगा। बहुत ही सुंदर इसकी लुक आएगी, और बनाने में देखिए बहुत ही आसान है। तो मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ, फिर हम अपना इसमें डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, 20 फंदे फ्रेंड्स मैंने इसमें डाल लिए हैं। अगर आपको 40 फंदे का बनाना है, 30 फंदे का बनाना है, तो आप इसमें जोड़े के हिसाब से आप इसमें फंदे डालिएगा। ये देखिए, जैसे 30 का नहीं, आप इसको 32 का बनाइए, क्योंकि जो हम हाफ हाफ फंदे करेंगे वो भी हमारे जोड़े के हिसाब से फंदे होने चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट रो से ही हम इसमें अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा हमने यहाँ पे ऐसे लपेटने से हमने अपना फंदा बढ़ा लिया। सबसे सिंपल तरीका है ये फंदा बढ़ाने का। एक से हमारे दो हो गए, अब देखिए, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह। ये एक फंदा हमने ये काउंट किया जो बढ़ाया था, और 10 फंदे हमने ये ले लिए। हाफ फंदे हमने यहाँ पे करने हैं। जितने भी आपने फंदे डाले हैं, हाफ फंदे आप यहाँ पे एक कलर से बनाइए। एक फंदा हमने ऊपर बढ़ा लिया था, और यहाँ पे जो हम अंदर कलर लगाएंगे उसको हम यहाँ से बनाएंगे। ध्यान से देखिए, जो कलर फ्रेंड्स आपके पास ज़्यादा हो उसको आप बाहर की साइड लगाना, क्योंकि अंदर हमारा ये बहुत ही कम कलर लगेगा, पूरे में बाहर वाला ज़्यादा लगेगा, क्योंकि फंदे हम दूसरे कलर से बढ़ाएंगे। ये वाला पार्ट हमारा बड़ा बनेगा, ये छोटा बनेगा, इसलिए जो भी आपके पास ज़्यादा कलर हो, ज़्यादा आपने लगाना है, तो उसको आप बाहर लगाइए, थोड़ा आप अंदर लगाइए। कलर आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी लगा सकते हो। ये देखिए, 8 फंदे मैंने यहाँ पे बना लिए, 2 फंदे मैंने पीछे छोड़ दिए। 8 फंदे बना लिए, ये हमारी उल्टी साइड है। अब हम यहाँ से पलट लेंगे, ये हमारी सीधी साइड बनेगी। तो सीधी साइड से हमने थ्रेड कैसे लेना है, आप ध्यान से देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, और ये 8। अब देखिए, इस थ्रेड को पीछे कर देंगे, ध्यान से देखिए, और पीछे से ये वाला थ्रेड ऐसे क्रॉस करके लेके आएंगे आगे, ताकि हमारा बीच में गैप ना आए। और ये 11 फंदे मैं इस कलर से बना दूंगी। ध्यान से देखिएगा, किनारे वाले फंदे को सीधा बना देंगे।
ये देखिए, अब फिर से देखिए, एक फंदा हमने बढ़ा लिया था, ऐसे लपेटेंगे, ऐसे लपेटने से हमारा एक फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा, दो फंदे हमारे बढ़ गए। अब देखिए, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, और ये हमारे हो गए 12 फंदे। ये फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे, और यहाँ पे भी देखिए, इस साइड भी हम इसको ऐसे कर लेंगे, और ये थ्रेड ऐसे बनाएंगे तो इस साइड भी यहाँ पे ये हमारा क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए, दो, तीन, चार, पाँच, छः फंदे, दो फंदे हमने पहले छोड़े थे, दो हम इस बार छोड़ देंगे और हम यहीं से पलट लेंगे। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये कली मैं आपको कंप्लीट बना के दिखाऊंगी, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने बनाना है। एक बार फिर से इस साइड से देखिएगा, इसको पीछे कर देंगे और पीछे से ऐसे क्रॉस करके आगे लेके आएंगे। दोनों साइड से हमने इस थ्रेड को क्रॉस करना है। फ्रेंड्स, आप मेरे बताए हुए तरीके से बनाओगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका ये बनके कंप्लीट होगा। छोटी छोटी चीज़ों का आपने इसमें ध्यान रखना है। ये देखिए, इसी तरीके से हम यहाँ पे अब तीसरा फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 5 फंदे बढ़ाऊँगी, दो फंदे मैं और इसी तरीके से बढ़ाऊँगी, और ये हमारे ये ब्लैक वाले सारे ही फंदे दो दो करके हम ये छोड़ लेंगे। इतना मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँगी। एक फंदा हम यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ से हम थ्रेड को क्रॉस करेंगे दोनों साइड से, और पीछे दो फंदे हम छोड़ देंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँगी। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे दो दो करके सारे ही फंदे छोड़ दिए हैं। एक फंदा हमने जब बढ़ाया था, ये दो छोड़े थे, और हमने देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच बार हमने दो दो करके फंदे छोड़ दिए, और पाँच फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए, दो, चार और पाँच, ये हमारे बढ़े हुए फंदे हैं। और ये 10 फंदे वो हैं जो हमने स्टार्टिंग में 10 और 10 हाफ हाफ किए थे, एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब देखिए, यहाँ तक हमारे फंदे छूट गए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से थ्रेड को यहाँ पे आप क्रॉस करके चलोगे तो ऐसे आपका ये सिलाई की तरह सिलता जाएगा, और इस साइड से भी बिल्कुल भी आपका दोनों कलर के बीच में गैप नहीं आएगा। तो अब देखिए हमें क्या करना है, अभी हमें कुछ नहीं करना, ना फंदे घटाने ना बढ़ाने, तो आगे से हमने ऐसे ही बनाना है, क्योंकि हमने फ्लावर की गोलाई देनी है। देखिए, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, 15 फंदे थे हमारे ये, दो फंदे हमने ये छोड़ दिए। अब ये ऊपर के फंदे भी हम इसी तरीके से छोड़ेंगे फ्रेंड्स, सारे ही फंदे छोड़ लेंगे दो दो करके, और ऊपर हम कोई फंदा बढ़ाएंगे नहीं, घटाएंगे नहीं, ऊपर से हम ऐसे ही सिंपल बनाएंगे। 5 फंदे जो हमारे बड़े हुए हैं वो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उनको दो दो करके नहीं छोड़ेंगे। नीचे नीचे के फंदे जो हमारे 10 फंदे हैं, अब हमारे 8 बच गए, तो उनको हम दो दो करके, ये दो हमने छोड़ लिए, ये 1, 2, 3 और 4, ये फंदे मैं यहाँ तक दो दो करके छोड़ लूँगी। आगे से हम ऐसे ही बनाएंगे सिंपल, इसी तरीके से उतार लेंगे इसको, और ये फंदे हम बना लेंगे। ये 5 फंदे हम नहीं छोड़ेंगे, इनको ऐसे ही रखेंगे। यहाँ तक मैं ये सारे फंदे 4 बार और छोड़ लेती हूँ, उसके बाद फिर हम अपना आगे से डिजाइन में हमारा चेंज आएगा। तो यहाँ तक ऐसे ही बनेगा बिल्कुल सिंपल, मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँगी। ये देखिए, ये 10 फंदे भी मैंने दो दो करके सारे ही यहाँ तक छोड़ दिए हैं, 5 फंदे हमारे ये बच गए हैं।
तो अब देखिए थोड़ा सा डिजाइन में चेंज आएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे ये फ्लावर की गोलाई भी अब आपको नजर आएगी बनती हुई। अब देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा चेंज आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे बड़े हुए फंदे हैं। अभी हम इनका कुछ नहीं करेंगे, तो दो दो करके हमने ये 10 फंदे छोड़े हैं, पहले हम इनको दो दो करके इसमें ऐड कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा और यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। बहुत ही सिंपल डिजाइन है। ये देखिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5, और दो हमने पिछली बार जो ऐड किए थे इनको भी बना लेंगे। अब दो आगे से हम लेंगे, उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको गैप लगे तो बीच में से ऐसे एक फंदा उठाइए और आप यहाँ पे 2 का 1 कर दीजिए। 2 का 1 करना मत भूलिएगा, ये तो हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। ये देखिए, और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। तो दो दो करके फ्रेंड्स हम ये सारे फंदे उठाएंगे। एक बार मैं आपको और दिखा दूं, बीच में गैप आएगा तो आपने कैसे फंदा उठाना है, ताकि बिगिनर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बहुत ही प्यारा डिजाइन है फ्रेंड्स, और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये देखिए, 1, 2, 3, 4 ये हमारे बड़े हुए फंदे हैं, और ये हमने जो दो दो करके छोड़ रखे हैं इनको हम ऐसे ऐड कर लेंगे। 2 आगे से ले लेंगे, उससे पहले देखिए हम ऐसे गैप भरने के लिए फंदा उठाएंगे और ऐसे हम 2 का 1 कर लेंगे, यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। अब ये देखिए, 2 फंदे हमारे ये और बच गए, 4 फंदे जो हम 2 बार करके ये दो दो करके इसमें ऐड कर लेंगे। और फिर मैं आपको आगे का बताऊंगी, नीचे के फंदे हमने कैसे करने हैं और आगे से ये बड़े हुए फंदे हमने कैसे घटाने हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसी तरीके से आपने ये दोनों फंदे 2 बार करके, 4 फंदे हैं, आप इनको इसमें ऐड कर लीजिए बिल्कुल इसी तरीके से, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। तो मैं इसे बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर इसकी फ्लावर की गोलाई हमारी बन गई है। अब देखिए, ये जो बीच में हमने गैप के लिए फंदे उठाए थे, उसके भी फ्रेंड्स एक ऐसी चैन सी बनती जाएगी, और बहुत ही सफाई के साथ आपका ये बन के कम्प्लीट होगा। अब देखिए, हमने सारे फंदे, ये 5 हमारे बड़े हुए हैं और ये 10 फंदे हमने दो दो करके सारे फंदे इसमें ऐड कर लिए। आगे से अभी हमने ऐसे ही सिंपल बनाया, कुछ नहीं किया है। अब ये देखिए, जब हमने ये फंदे छोड़े थे तब हमने फंदे यहाँ पर, एक फंदा हर बार हमने बढ़ाया था, तो 5 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाए थे जब हमने ये नीचे के फंदे दो दो करके छोड़े थे। तो अब हम इनको जब ऐड करेंगे दो दो करके, तभी हम अपने ये फंदे आगे से घटाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जैसे आपने स्टार्टिंग की थी ऐसे ही हम इस कली का एंड करेंगे। ये देखिए, 2 का 1 कर दिया, एक फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया। अब हमारे 4 फंदे बड़े हुए बच गए। जो जिस कलर की ऊन से हमने बना रखे हैं फंदे, उसी कलर से हम बनाएंगे। ये देखिए, आगे से हम ब्लैक से बनाएंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे गैप लगे तो गैप के लिए हम एक फंदा ऐसे हम उठा लेंगे और यहाँ से हम ऐसे क्रॉस करेंगे और इसके साथ हम 2 का 1 कर देंगे यहाँ पे। अगर आपको गैप नहीं लगे तो आप मत उठाइएगा, सॉरी, 2 फंदे ही हम यहाँ पे इसमें ऐड कर लेंगे और यहीं पे ऐसे ही हम मुड़ जाएंगे।
ये देखिए, अब देखिए ये हमने दूसरा फंदा घटा दिया, दो का एक कर दिया। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं यहाँ पे तीन फंदे और इसी तरीके से घटाऊंगी, सिंपल है बिल्कुल। और दो दो फंदे हम नीचे से ऐड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम ऐसे क्रॉस कर लेंगे थ्रेड को, और ब्लैक से हम दो, हमने पिछली बार ये ऐड किए थे, और दो हम और ऐड कर लेंगे। गैप लगे तो आप ऐसे बीच में से फंदा उठाइए और यहाँ पे दो का एक कर दीजिए। जो हमने फंदा उठाया था उसको आप साथ के साथ दो का एक कर देना। ये देखिए ये तीन बार के, देखिए ये फंदे हैं हमारे, इनको भी हम छोड़ देंगे और आगे से हम तीन फंदे अपने घटा लेंगे। तो मैं इसके लिए को इतना बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा यहाँ पे फंदा घट के हमारी ऐसी शेप बन जाएगी। तो मैं इसे घटा लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए चार फंदे मैंने यहाँ पे घटा लिए हैं, एक फंदा मेरा बचा हुआ है, और ये देखिए लास्ट में मेरे ये दो फंदे रेड के बचे हुए हैं। ये मैंने सारे फंदे दो दो करके इसमें ऐड कर लिए हैं। तो अब देखिए हम लास्ट का फंदा ये घटाएँगे। जितने भी फ्रेंड्स आप फंदे इसमें बढ़ाओ, उतने ही फंदे आपने इसमें घटाने हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब ये देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस फंदे मैंने ऊपर रखे थे तो दस ही मेरे यहाँ पे ऊपर हो गई, और दस हमारे ये फंदे हैं। और अब देखिए हमने ये पीछे से रेड, ये है रेड कलर के दो फंदे हैं, कल ही हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब मैं ये फंदे ब्लैक वाले भी रेड से ही बना लूँगी, क्योंकि अंदर हमारा ये बीच में सर्कल बनेगा छोटा सा, और इसमें छोटी छोटी ये हर एक कली के बाद ये एक हम आउटलाइन देंगे, इससे इसकी लुक और भी अच्छी आएगी। देखिए और ये दो फंदे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो देखिए टोटल हमारे 20 फंदे वापस इसमें हो गए हैं, और ये देखिए कली हमारी बन के कम्प्लीट हो गई है। एक कली हमारी बन गई है। अब फ्रेंड्स मैं आपको दूसरी कली की स्टार्टिंग करके बताऊंगी हमने दूसरी कली कैसे बनानी। जैसे स्टार्ट किया था स्टार्टिंग से, वैसे ही हमने दूसरी कली की भी स्टार्टिंग करनी है। बहुत ही ये प्यारा डिज़ाइन है, छह कली में बनके ये कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी आप इसको बड़ा बनाना चाहो उतना ही आप इसको बड़ा बना सकते हो, बस जोड़े के हिसाब से आप इसमें फंदे डालिएगा। ये देखिए एक कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। अब देखिए दूसरी कली की हमने ऐसे स्टार्टिंग करनी है जैसे हमने ये फंदे डाले थे। ये मान लीजिए हमने 20 फंदे ऐसे ही डाले थे यहाँ पे नीचे, तो इसी तरीके से हमने इसकी फिर से स्टार्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने इसमें फंदा बढ़ाया था। तो देखिए लपेट लिया और हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया, एक फंदा हमारा बढ़ गया। देखिए तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, दस फंदे हमने बनाने थे और एक फंदा हमारा बड़ा हुआ। अब देखिए इसको थ्रेड को ऐसे कर लेंगे। अब हम ब्लैक से बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, दो फंदे हम छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपने बनाना है। मैं आपको एक बार रिपीट करके बता दूं, हमने ये पांच फंदे यहाँ पे बढ़ाए थे, जो हमने एक फंदा बढ़ा लिया, चार फंदे हम और बढ़ाएंगे और दो दो करके हम ये पीछे के दस फंदे छोड़ देंगे। पांच फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा लिए
और ये आगे के 10 फंदे जो हमारे यहाँ पे बच जाएंगे उनको भी हम ये फ्लावर के आगे की गुलाई बनाएंगे, तो वो भी दो दो करके हम छोड़ देंगे। फिर वापस से हम उनको दो दो करके ऐड कर लेंगे, और जब ये फंदे हम पीछे वाले ऐड करेंगे तो हम यहाँ से घटाना शुरू कर देंगे। तो इसी तरीके से आपने सारी ही कली बना लेनी है। ये बन के बहुत ही सुंदर बनेगा और यहाँ पे हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कैसी आई है। तो मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कितनी सुंदर इसकी लुक आई है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक कली मैंने आपको पूरी कंप्लीट बना के दिखा दी है। अब हम इसका एंड कैसे करेंगे, ये फंदे बंद कैसे करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम हम इन फंदों का लास्ट में क्या करें। बिगनर्स के लिए बता रही हूँ फ्रेंड्स, तो हम इनको ऐसे बंद करेंगे। ध्यान से देखिए, दो का एक कर दिया, ये इसमें डाल लेंगे और फिर से दो का एक कर दिया। ये देखिए, इस तरीके से आपने सारे ही फंदे ऐसे बंद करने हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमारे सारे फंदे ये बंद हो जाएंगे। जितने भी आपके पास फंदे हों, आपने इसी तरीके से सारे फंदे बंद करने हैं। ये मैंने आपको 20 फंदे से बताया है। अगर आपको बड़ा बनाना है तो बड़ा भी आप इसी तरीके से बनाइए, जोड़े के हिसाब से आप इसमें फंदे डालिएगा, फिर आपको जितना भी इसको बड़ा बनाना है आप इसको बड़ा बना सकते हैं। ये देखिए, सारे ही फंदे मैं आपको बंद करके दिखा देती हूँ। एक एक करके आप इसको वापस इसमें डालिए और दो का एक कर दीजिए, और लास्ट में आप इसको इसमें से निकाल के और ऐसे हम काट देंगे, और थोड़ा सा थ्रेड रख लेंगे जो हम सुई में धागा इसी से हम सुई में डाल लेंगे, इतना सा हम रख लेंगे। और फिर हमने इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ऐसे ऐसे सिलाई इसकी यहाँ से यहाँ तक करनी है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से ये हमारा बनके कंप्लीट हो गया। यहाँ से यहाँ तक मैं इसकी सिलाई कर दूँगी, तो आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और बहुत ही आसानी से ये बन सकता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।